उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी और विधायक सुनील राणे ने कोरोना के जंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमने मात्र 17 दिन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कांदिवली पश्चिम के पावन धाम मंदिर में 70 बेड का अस्पताल बनाया और इसमें कुल अब तक 123 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट भर्ती हुए, जिनमें से मात्र 17 दिनों में 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर चले गए। पावन धाम मंदिर में बनाए गए अस्पताल में 70 वार्ड बॉय, नर्स और डॉक्टर की टीम है। इसके अलावा कुछ मशीनरी भी मौजूद है। सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अब तक 123 मरीज यहां पर एडमिट थे। अब तक किसी की कोई शिकायत नहीं आई है। इसके अलावा 3 स्टार जैसी सुविधाएं हैं। सुबह को नाश्ता, दोपहर को खाना, फिर शाम को खाना दिया जाता है। पावन धाम मंदिर में बने इस अस्पताल का पर पेशेंट पर डे का चार्ज मात्र 1000 रुपया है, जिसमें बाहर के चेकअप, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाती है। पिछले के महीने में कुछ भी परेशानी नहीं हुई, एक भी मौत नहीं हुई। गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे को कहा कि एक बार वह यहां आकर देखे हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी शिकायत के कैसे अस्पताल चला रहे हैं। मुझे खुशी होती है इस बात को आप सबके सामने रखते हुए कि आज 17 दिन में जो कामयाबी हम लोगों ने हासिल की, परम पूज्य गुरुदेव नम्र मुनि महाराज साहब के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से ये 70 बेडेड हॉस्पिटल हम लोगों ने प्रारंभ किया और इसमें कुल आज तक 123 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव एडमिट हुए और उसमें से 58 लोग अच्छे होकर घर चले गए। हमने कहा था कि जिस दिन 50 पेशेंट अच्छे होकर चले जाएंगे तो हम एक मुंबई शहर के लोगों को ये बताएंगे करके, और मुझे खुशी होती है ये बताने में। और मैं मुंबई शहर के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये पूरा हॉस्पिटल है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, बाकी ये पूरा हॉस्पिटल ही है। अब इसमें हमने क्या क्या लगाया मैं आपको थोड़े संक्षेप में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास कुल मिलकर 70 वार्ड बॉय, नर्सेस, डॉक्टर की टीम है। 70 लोगों की टीम है, पूरा 24 आवर्स ये 70 डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं। और मशीनरी में क्या क्या है तो सेमी फ्लावर फ्लावर बेड टोटल है और एक्सरे मशीन यहाँ पर है, सीआर सिस्टम है, डिफिब्रिलेटर फॉर एक्सट्रीम इमरजेंसी के व्यवस्था यहाँ पर है, ईसीजी मशीन 4 है, सक्शन मशीन 5 है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड मशीन 5 है यहाँ पर, मेडिकल गैस पाइपलाइन विथ लिक्विड ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ 35 सिलेंडर वो यहाँ पर हमने व्यवस्था खड़ी की है, मॉनिटर 10 है, बायोपाइप मशीन 2 है, इन्फ्रेम्ड थर्मोमीटर 4 है, पल्स ऑक्सीमीटर विथ एवरी बेड, सभी बेड में ये व्यवस्था की है हमने, फूड ट्रॉली 40 है यहाँ पर, सीसीटीवी कैमरा सिस्टम हमने लगाई है, फायर एक्सटिंग्विशर सब लगाए, सिक्योरिटी डे नाइट यहाँ पर सारी व्यवस्था है। और डॉक्टरों की अगर जानकारी दी तो आरएमओ 6 है, कंसल्टेंट डॉक्टर्स 4 है, उसके अलावा 3 डॉक्टर्स हमारे पास अलग है, बायोमेडिकल इंजीनियर है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मेसी यहाँ पर, रिसेप्शन वगैरह सब मिलकर इतने मैंने बताया कि इतना बड़ा स्टाफ के साथ में यहाँ पर व्यवस्था है। अब जैसे मैंने बताया कि 58 पेशेंट अच्छे होकर चले गए, कुल 123 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए, कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ 2 पेशेंट को हमको यहाँ से वेंटिलेटर नहीं है इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन उनकी भी हालत आज की तारीख में बहुत अच्छी है। अब आपको लगेगा ये सारा चमत्कार कैसे हुआ, एक तो गुरुदेव नम्र मुनि साहब का आशीर्वाद ये एक भाग उसका हो सकता है, बाकी जो अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है 3 स्टार जैसा यहाँ पर सुविधा है, पेशेंट आते ही उनका मनोबल और ऊँचा हो जाता है। हम सवेरे नाश्ता देते हैं, दूध देते हैं, फ्रूट देते हैं, दोपहर को खाना, शाम को फिर वापस नाश्ता, शाम को फिर वापस खाना, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हमने की है। जो पेशेंट अच्छे हो गए, डॉक्टर ने उनको विद सर्टिफिकेट कहा कि अभी आप जा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट कहते हैं कि हम यहाँ पर 2 दिन रुकेंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम से सारे मुंबई शहर के लोगों को आने वाले दिनों में जो भी पेशेंट नया आएगा उसको भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बार अच्छा होने के बाद में आपने बेड खाली कर देना चाहिए ताकि हमको जिसका इमरजेंसी है उसको लेना पड़े। ये पेशेंट क्यों जाते नहीं है तो उनको लगता है इधर यहाँ पर एक तो हमने गलती की, जो भी हमें मेरी भावना में व्यक्त करता हूँ, नम्र मुनि महाराज साहब का और हमारे पार्टी के नेताओं का कहना था कि एकदम कम रेट में रखो करके, हमने ये डिक्लेयर किया था कि 1000 रुपये में हम सिर्फ बेड देंगे करके, लेकिन हमारे डॉक्टर लोगों ने जो बिलिंग बनाया 15 दिन में, उन्होंने पैथोलॉजी चार्जेस जो बाहर पैसे भरकर लाना पड़ता रिपोर्ट उसका भी बिल नहीं लगाया,
जो मेडिसिन दिए है उसका भी बिल नहीं लगाया, लेकिन अभी हमने ये 15-17 दिन यही सिस्टम से चलाया। आने वाले दिनों में हमने कहा कि 1000 रुपये में बेड और 2 बार नाश्ता, 2 बार खाना, ये सारी व्यवस्था होगी। उसके बाद में पैथोलॉजी चार्ज जो बाहर हमको पैसा भरना पड़ता वो तो आप दीजिए, और वैसे ये जो खर्चा है आपके जानकारी के लिए कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपया पर पेशेंट रोज आता है। अब ये बाहर का जो बॉम करते हैं ना ये वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अभी जगह नहीं है और ये मशीनरी का सारा कॉस्ट पोइसर जिमखाना की जो हमारी संस्था है 65-70 लाख रुपए का सारा मशीनरी उन्होंने लगाया, यानी वो इन्वेस्टमेंट को हम बाजू में करेंगे। जगह का भाड़ा बिल्कुल लगता नहीं है, उसके बावजूद भी ये 70 डॉक्टरों का जो स्टाफ है उसका खर्चा पर पेशेंट 8 से 9 हज़ार रुपया रोज का आता है, लेकिन वो 1000 रुपये पेशेंट के पास से लेकर बाकी का सारा जो पैसा है वो पोइसर जिमखाना और पावन धाम ने मैचिंग ग्रांट देने का तय किया है। हमारे घाटकोपर के विधायक पराग भाई शाह, उन्होंने पर पेशेंट 1000 रुपया वो स्वयं देंगे ये उन्होंने कहा है, और सेवाभावी संस्था के लोगों को अपील करेंगे ये भी उन्होंने कहा है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन कुल मिलकर नम्रमुनि महाराज साहब ने कहा था कि इमरजेंसी स्टार्ट करो, अभी सारे बहुत घबराहट थी लोगों का, और हमने तय किया था कि हम 1 महीना ये चलाएंगे और बहुत अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर 2 महीना तक चलाएंगे। लेकिन अभी मुंबई महानगर पालिका में ने भी अगल बगल में सारी व्यवस्था की है, मैं अभी बिल्डिंग में जाकर क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर रहा हूँ तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अब हम देखेंगे इसको 1 महीने के बाद में क्या करना है करके, लेकिन 1 महीने में बहुत बड़ा खर्चा आया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। और एक एग्जाम्पल है, मैं मीडिया के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बाकी सारी जगह पर मौतें होती है और ये पावन धाम का एग्जाम्पल क्या है,